मध्य प्रदेश के गुना में यात्री बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुधवार रात करीब 8 बजे के आसपास हुआ। बस गुना से आरौन जा रही थी, तभी एक डंपर से टकरा गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। MP08P0199 गुना से आरौन जाने वाली ये बस 13 लोगों के लिए जलती चिता बन गई। हादसा इतना भयानक कि डंपर से बस को 1.5 घंटे बाद पलटा गया। लाशें उठाने लगे तो अंग गिर गए। 7 शव एक दूसरे से चिपके थे। 2008 में खरीदी गई बस का फिटनेस सर्टिफिकेट फरवरी 2022 तक मान्य था। रोड टैक्स 2021 तक भरा गया था, फिर भी बस दौड़ रही थी। जिम्मेदार हादसे के बाद जाँच की आँच में हाथ सेक रहे थे। कमियां तो देखिए बाद में समझ में आएगी, अभी तो हादसा हम लोगों ने देखा है, मौका देखा है, निरीक्षण किया है। अब इसमें किस कारण से हुई, इसकी पुलिस द्वारा भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया। हम लोग भी जो हमारे परिवहन नियम है उनमें भी देखते हैं कि इस बस में क्या क्या कमी थी, कैसे चूक हुई है। बाकी दुर्घटना है जो ऑनलाइन जो इसका रिकॉर्ड स्टेटस चेक, वो सब अभी 2022 से अनफिट, वो सब हम लोग अभी चेक करेंगे। जो परिवहन विभाग की डिप्टी कमिश्नर यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर ये बस हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए पहुंचे। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति ना हो, उसकी ओर भी देखा जाएगा और एक विशेष अभियान चला जाएगा कि ये दोबारा से इस तरह की घटना ना हो। हादसे के बाद बगैर कागजात बस चलाने के मामले में गुना RTO और फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने की वजह से CMO को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। हादसा है, आमने सामने की टक्कर में दोनों ड्राइवर मरे हैं, लेकिन ये बात भी सही कि गाड़ी का इंश्योरेंस, उसका फिटनेस, ऐसे कई बिंदु है जिनके बारे में कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि ऐसा कभी दोबारा नहीं हो। मैं घायलों से भी मिला और घायलों के लिए जो यहाँ इलाज हो सकता है और यहाँ इलाज कराएंगे, और अगर लगता है कि इलाज में और उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था है तो जहाँ भेजना है वहाँ भेजेंगे। बस भानु प्रताप सीकरवार के नाम पर है, जो BJP के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ सीकरवार के भाई हैं। मालिक और दोनों ड्राइवरों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कलेक्टर, SP, RTO, CMO सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई। हम और आप बगैर कागजात की गाड़ी चलाएंगे तो अगले दिन धर लिए जाएंगे। अभी भी कोई ये नहीं बता रहा कि क्या वजह थी कि मौत की ये बस किस रसूखदार के दबाव में आखिरकार सालों तक बगैर कागजात चलती रही। गुना से अपने सहयोगी मोहन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।